देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या हो, किसी नंबर के ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर है, एक नंबर गिवन है n, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक। तो उसमें हमें बताना है कि उसके ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि क्या हो, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? देखो क्या हम लोगों के पास, हम लोगों के पास मान लेते हैं एक नंबर गिवन है 16, ठीक। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होंगे, 2, 4, 8, 16। क्या है, कितने फैक्टर्स है? 1 है, 2 है, 4, 8 और 16 है, क्लियर। कितने फैक्टर्स होंगे? यहां से भी निकाल सकते हैं, 2 की पावर 4 होता है, 4 प्लस 1 दैट इज 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर होंगे, क्लियर, ठीक। यहां से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर है? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर। तो यहां पे 2 की पावर 0 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2, इसे लिख देंगे 2 की पावर 3, इसे लिख देंगे 2 की पावर 4। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हमारे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, मतलब दो दो के इंटरवल में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो दो के इंटरवल में चल रहे हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, दो दो का डिफरेंस है? नहीं है। दो दो का डिफरेंस है? बिल्कुल है, दो दो का डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म किया, 16 का कितना आया, 2 की पावर 4, ठीक। तो ये जो प्राइम बेस है ना, ये जो 2 है, ये होती, इसे बोलते हैं प्राइम बेस, ठीक। और ये जो 4 है ना, इसे बोल देते हैं पावर। तो ये जो प्राइम बेस की पावर होती है ना, मान लो स्क्वायर के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोला गया है, ठीक। तो ये जो पावर होगी ना प्राइम बेस की, क्या है, 4, इसे 2 से डिवाइड कर लो। अगर स्क्वायर बोला है ना तो 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आएगा 2, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, क्या है, 3। तो 3 ऐसे नंबर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1, 4 एंड 16, 1, 4 एंड 16, क्लियर है बात, क्लियर है बात, प्राइम बेस है, ठीक। पावर डिवाइडेड बाय 2, क्या किया यहां पे, पावर डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर है तो क्यूब होता, पावर डिवाइडेड बाय 3, पावर कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता, 1, जो इंटीजर वैल्यू उसे लेना है, ये तो 1.33 हो गया, 1.33 हो गया, हमें लेना है 1, हमने लिया 1 तो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो तो 2, 1 ऐड कर दो तो 2 क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे, क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे, ठीक। क्या कर दिया हमने, 1 ले लिया, 1 को ऐड कर दिया, ठीक। तो ये आंसर आ गया हम लोगों के पास, क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर है बात यहां तक। अगर पावर की बात की जाए तो यहां पे 2 आ गया था, 2 प्लस 1 हो गया, कितना आ गया, 3। तो 3 ऐसे फैक्टर्स है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। पावर क्या आ गई थी, 4 आ गई थी, 4 डिवाइडेड बाय 3, 1.33, 1 लिया हमने, क्या लिया, 1 ले लिया यहां पे, क्लियर है बात। तो ये जो 16 है ना, इसमें 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो ये 1.33 हो गया, यहां पे क्या हो गया, 1 आ गया आंसर। इसमें ऐड 1 कर देना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, जैसे 1.33 आया था ना, 1, 2 की पावर 3 कितनी है यहां पे, क्यूब कितने हैं यहां पे, 1 भी तो है और 2 भी तो है, 1 भी तो है और 2 भी है, क्यूब की बात कर ले तो 1 भी तो है और 2 भी है, 2 की पावर 0 मतलब 1 और 8 2 का क्यूब, 2 है ना, ऐसे क्या है, 2 है ऐसे नंबर हम लोगों के पास, क्लियर।
तो जो प्राइम बेस होती है ना, इसकी जो पावर है उसे 2 से डिवाइड कर लो, जो इंटीजर आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, बस इतने नंबर्स आएंगे, इतने नंबर्स आएंगे। अभी हम देखेंगे कैसे आएंगे वो नंबर्स, क्यों आते हैं, देखते हैं वो नंबर्स क्यों आते हैं, ऐसा हम करते क्यों हैं। ठीक, वैसे हमें जरूरत तो नहीं है सब पढ़ने की, लेकिन हम लोग क्या क्या करेंगे, कम से कम बेसिक्स तो पता हूं मैं। जैसे हमने अभी 16 का किया था ना, अभी हम लोग क्या करेंगे 64 का कर लेते हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, 64 के लिए कर लेते हैं। मान लो नंबर दिया हुआ है एक 64, एन बराबर 64 नंबर दिया हुआ है। ठीक, 64 दिया हुआ तो ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 8 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 फैक्टर हो गए। ठीक, क्लियर है, 7 फैक्टर हो गए हम लोगों के पास यहां पे। ठीक, हमें क्या बताना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है, क्या बताना है, जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो एंड परफेक्ट क्यूब भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक, क्या हो, परफेक्ट क्यूब भी हो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 2 की पावर 6 लिया। ठीक, क्या है ये, प्राइम बेस है, ये पावर है, पावर है। ठीक, जो पावर रहेगी ना, पावर ऑफ प्राइम बेस, अगर स्क्वायर के लिए बोला जाए ना, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, इतने फैक्टर्स होंगे, प्लस 1 इतने फैक्टर्स होंगे, प्लस 1 इतने फैक्टर्स होंगे, 4 होंगे क्या, देख लेंगे अभी। ठीक, ये स्क्वायर के लिए था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए था, अभी हम चेक भी करेंगे, ये है परफेक्ट क्यूब के लिए। ठीक, ये था परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ये परफेक्ट क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, पावर ऑफ प्राइम बेस, पावर ऑफ प्राइम बेस डिवाइडेड बाय 3, परफेक्ट क्यूब बोला है। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर बोला जाए तो पावर ऑफ प्राइम बेस डिवाइडेड बाय 2, पावर ऑफ प्राइम बेस डिवाइडेड बाय 3, यहां तो 2 टू द पावर 6, अगर 3 भी होता ना तो हम लोग क्या करते, इसमें क्या कर लेते, डिवाइड करते फिर 1 ऐड कर लेते, क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते फिर 1 ऐड कर लेते यहां पे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग, चेक कर लेते हैं पहले, अगर हम डिवाइड कर लें इस चीज को, बेस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 दैट इज 4, टोटल 4 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कर लिया वैसे हमने। ठीक, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय क्यूब 1 3 आ जाएंगे, 3 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगे इसमें। ठीक, अब नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं 64 के। ठीक, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 4 8, 8 के बाद कितना आ जाएगा, 12 13 14 15 16, 16 के बाद कितना आ जाएगा, 32 64। क्लियर है बात, बात क्लियर है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमने स्क्वायर के लिए परफेक्ट स्क्वायर बोला है ना, तो इसे 4 आने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर 4 आने चाहिए, 1 2 3 4, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, कितने आ गए, 1 2 3 और 4, ये 8 का स्क्वायर है, 4 नंबर ऐसे आ गए जो कि क्या है, स्क्वायर है। ठीक, क्यूब देख लेते हैं, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है
ये 4 का क्यूब है, एक एक दो और तीन, तीन नंबर आ गए। क्लियर है बात? ठीक, तो ये तरीका रहेगा हमारा सॉल्व करने के लिए। क्या रहेगा? ये तरीका रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बोला जाए ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर 3 की पावर में लिख दो। उसके बाद क्या करो, जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोला जाए तो जो पावर ऑफ प्राइम बेस है, पावर ऑफ प्राइम बेस में 2 का डिवाइड करो और 1 ऐड कर लो। ठीक, क्यूब के लिए है तो पावर ऑफ प्राइम बेस लिखो, उसमें 3 का डिवाइड कर लो और 1 ऐड कर लो। क्लियर है बात यहां तक? देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या, सबसे पहले 90 क्या है, क्वेश्चन 90। ठीक, क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? ठीक, क्या लिख लिया, एन इक्वल टू 90 लिखा सबसे पहले। 90 को क्या लिखा, 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। ठीक, क्लियर है बात? बात क्लियर है? कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, कितने फैक्टर आ गए, 3 2 6 6 2 12, 12 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 12 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45 होगा, एक 90 होगा, सॉरी ये 20 नहीं, ये 30 कैसे होगा, 30 होगा ये। ठीक, क्लियर है? तो टोटल कितने फैक्टर्स आ गए हम लोगों के पास, 12 फैक्टर्स। ठीक, अब हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, क्या है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स हैं। ठीक, क्या है हम लोगों के पास, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। ठीक है, 4 से डिवाइड क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है 2 से। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 0.5। तो इंटीजर वैल्यू लेनी है, 0 प्लस 1 ऐड कर देना है तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये 2 की पावर 1 के लिए। अब 3 का पावर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 1, प्लस 1 ऐड कर लेना है तो 2 हो जाएंगे। ठीक, 5 की पावर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, सिमिलरली 0.5, उसमें 0.5 में 1 ऐड कर लेना है, सॉरी ये 0.5 को 0 लेना है, 0.5 को 0 लेना है, प्लस 1 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा ये, 1 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 2। सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, दो नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। कौन कौन से नंबर हैं, और सिर्फ दो ऐसे नंबर हैं ना जो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 तो सभी में आएगा, तो एक 1 हो गया, एक 9 हो गया। ठीक, एक 1 हो गया, एक 9 हो गया। परफेक्ट क्यूब की बात कर लें, परफेक्ट क्यूब की बात कर लें, क्या हो जाएगा क्यूब के लिए, क्यूब के लिए 3 से डिवाइड करना है, जैसे 2 टू द पावर 1 था, क्या था, 2 टू द पावर 1 था, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये तो आएगा 0.33, 0 लिया प्लस 1 ऐड किया, 1 हो गया। 3 की पावर कितना था, 2 था, 3 की पावर 2 था, 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.66, 0 लिया प्लस 1 ऐड किया तो 1 हो गया। 5 की पावर 1 था, 1 डिवाइडेड बाय 3 किया, 0.33 किया, कितना हो गया, 0, प्लस 1 ऐड किया तो 1 आ गया। ठीक, मतलब सिर्फ एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है,
जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है। कौन कौन सा? 3 3 9 9 3 27 नहीं, वन ही हो सकता है, सिर्फ वन ही है वो, वन स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके अलावा नहीं है कुछ। वन का क्यूब वन तो आएगा ही, कौन सा सिर्फ वन है ना, कौन सा है ये नंबर, वन ही है, सिर्फ वन ही है ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर यहां तक? क्लियर है यहां तक? देखें अगले क्वेश्चंस। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तीनों के लिए सॉल्व करना है और मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्लियर? तीनों के लिए सॉल्व करना है और मल्टीप्लीकेशन कर देना है। जैसे 2 की पावर कुछ आया समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, तो जो पावर आएगी ना प्राइम बेस की पावर, 3 प्राइम बेस हो गए अगर 2 3 5 हुआ तो, 3 प्राइम बेस हुआ, 3 प्राइम बेस की 3 पावर होगी अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? देखते हैं कैसे। यहां पर सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एन क्या है? 9 to the power 9। क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 9? क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 to the power 18? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर के लिए बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो पावर है इसे डिवाइड किया 2 से, क्योंकि स्क्वायर के लिए बोला गया है। ठीक, क्या हो जाएगा, 9 to the power 9 था, 3 का स्क्वायर हुआ, पावर 9 थी, कितना हो गया ये 18 डिवाइडेड बाय 2 9 9 प्लस 1। ठीक, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो 10 ऐसे नंबर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, ये 3 की पावर जो 18 है ना, यहां पे क्या होगा, एक 3 की पावर 0 आएगा प्लस, और 3 की पावर 1 भी आएगा, 3 की पावर 2 भी आएगा, 3 की पावर 3 भी आएगा, 3 की पावर 4 भी आएगा, 3 की पावर 18 भी आएगा। ठीक, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये कौन कौन सा होगा, एक तो 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 की पावर स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कितनी बार होंगे बताइए, 10 बार होंगे। 1 से लेके 18 तक कितने होंगे, 1 से लेके 18 तक, हर 2-2 का छोड़ के, 2 4 6 8, ऐसे कितने होंगे, 9 और 1 1 10, 10 हो गए। परफेक्ट क्यूब की बात करें, कर ले बात, बिल्कुल कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 कर लेंगे, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 7 कैसे हो जाएंगे 7, क्यूब की बात की है ना, 1 तो हो गई, फिर 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18 वो 6 हो गए और 1 ये 7। क्लियर है भाई, कौन कौन से हो गए, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, अब 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, 3 की पावर 5 हो जाएगी, 3 की पावर 6 हो जाएगी, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। ठीक, यहाँ हो गई 3 की पावर 9 हो गई, 3 की पावर 10, 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर? तो ये जो स्क्वायर वाले हैं ना, 10 हैं, एक तो 1 हो गया, ये तो 1 है, एक नंबर ये हो गया स्क्वायर में, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। क्लियर है, स्क्वायर वाले हो गए 10। क्लियर? क्लियर बात, ये 7 होंगे क्यूब वाले, एक तो यही होगा, 2 3 4 5 6 7। ये 3 to the power 9 किसका क्यूब है, 3 to the power किसका क्यूब है, 3 to the power 3 का क्यूब नहीं है, 3 to the power 4 का क्यूब नहीं है, 3 to the power 5 का क्यूब है, हाँ है। क्या 18 भी इसी टाइप से 3 to the power 6 का क्यूब है, हाँ है। क्या 3 to the power 6 जो है 3 to the power स्क्वायर का क्यूब है, हाँ है।
क्या 3 to the power 3 to the power 1 का क्यूब है? हाँ है। क्या 3 to the power जो 0 है 3 to the power 0 का क्यूब है? 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स होंगे। क्लियर है बात? सॉल्व कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो क्या है यहाँ पे, 2 अलग है, 3 5 7 ये तीन चारों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम बेस हैं। ठीक, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए, क्या 2 के लिए, 2 to the power 9 के, 9 divided by 2 plus 1 ठीक कितना हो जाएगा, 4 point something क्या हो जाएगा, 4.5 plus 1 तो क्या करना है, 4 लेना है हमें, डॉट को हटा देना, 4 plus 1 दैट इज 5। फिर 3 to the power 7 7 divided by 2 plus 1 3.5 आएगा, 3 लेना है प्लस 1 4 हो जाएगा। क्लियर, 5 to the power 4 ले लिया, 4 divided by 2 plus 1 दैट इज 2 plus 1 दैट इज 3। 7 to the power 3 3 divided by 2 plus 1 1.5 आता है, 1 लिया, 1 2 हो गया। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल, 5 into 4 into 3 into 2 120, 5 4 20 6 120 टोटल 120 नंबर आएंगे इनके फैक्टर्स में, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, ये था स्क्वायर के लिए। अब परफेक्ट क्यूब के लिए देख लेते हैं, परफेक्ट क्यूब के लिए देख लेते हैं। ठीक, यही वाला क्वेश्चन है। ठीक, थर्ड थर्ड ठीक क्या है, 2 to the power 9 था, 9 divided by 3 plus 1 4 हो जाएगा। 3 की power 7 था, 7 divided by 3 किया तो 2 point something आएगा, 2 लेंगे, 2 plus 1 3 हो गया। उसके बाद 5 की power क्या था, 4 था, 4 को 3 से डिवाइड किया, 1 point something आएगा, हमने ले लिया 1 plus 1 2 हो गया। 7 की power कितना था, 7 की power 3 था, 3 से 3 को डिवाइड किया, एग्जैक्ट 1 आएगा, 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 4 into 3 into 2 into 2 2 to the 4 for 16 48 48 नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्या है, जो कि परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है बात? तो इस स्टेप से सॉल्व कर लेंगे।